नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ यहाँ पे शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार और आज का राशिफल। जानेंगे कि आज राशि के हिसाब से आज आपका दिन कैसा रह सकता है, किन राशियों में आज पैसा लिखा हुआ है, कि आज कौन कौन सी राशियाँ होंगी जिनमें आज पैसा कमाया जा सकता है और किन राशियों को आज बच के चलने की जरूरत है। ज्योतिष के आधार पर शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार कैसे रहेंगे, ये सब जानने की कोशिश करेंगे बाजार के सितारे के अंदर। तो सबसे पहले जानेंगे आज का राशिफल, और आज का राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रोमनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मांगे एमसीबी पर। शुभ प्रभात अखिलेश जी, राखी एवं मार्केट टाइम्स के मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रोमनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल और मार्केट टाइम्स के सही कुछ प्रयासों से मैं आज आपके साथ मुखातिब हूँ। आज 15 दिसंबर 2021। मित्रों, आपको याद होगा हमने अपने पिछले एपिसोड में बुलियन के ऊपर यानी सोने चांदी के ऊपर कुछ अद्भुत अपडेट दिया था, और कल जब मार्केट शो चल रहा था उस समय सोना और चांदी फ्लैट या पॉजिटिव थे, और यही आपको कहा था कि आज मुनाफा वसूली की जद में आ सकते हैं, और कल सोने और चांदी ने जबरदस्त गिरावट दर्ज हुई। उम्मीद है कि सभी दर्शकों ने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा। कृषि जिंसों में भी हमारी जो भविष्यवाणियां हैं वो सत्य साबित हुई। इसके अतिरिक्त शेयर बाजार के अंदर भी रिकमेंडेड स्टॉक्स ने जबरदस्त मुनाफा कमाया। अब सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा या नुकसान। राशियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बाजारों के अंदर तेजी या मंदी वो मायने नहीं है, मायना यह है कि आप कमा रहे हैं या नहीं। राशियों के आधार पर आज आपका नफा या नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों यानी 4 एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की है 3 राशियां, 1, 5 और 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि। आज आपके लिए दिन अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन 12 से 1 बजे के बीच में आप स्क्रीन छोड़ के कहीं मत जाइए, अन्यथा नुकसान हो सकता है, आया हुआ मुनाफा हाथ से निकल सकता है। 2, 6, 10 ये पृथ्वी तत्व की राशियां है, वृषभ, कन्या और मकर राशि। दिन संभवतः मुफीद नहीं है, परेशानियां बढ़ सकती हैं, निर्णय के अंदर असमंजस या कंफ्यूजन हो सकता है। 1 से 2 बजे के बीच में रखिए अब बहुत अतिरिक्त सावधानी। 3, 7, 11 वायु तत्व की राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ राशि आज मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रहा है, 2 से 3 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन, क्योंकि नुकसान की संभावनाएं मुनाफे के बनिस्पत अधिक हैं, सावधानी रखिए, अधिक शेयर बाजार के कारोबारी हैं, तो अंतिम घंटे आप यानी 3 से 3:30 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। एक महत्वपूर्ण चर्चा, एक काम की बात, आपके का जो घर है उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण दिशा होती है नॉर्थ, जो कि कुबेर की दिशा कहलाती है। यदि उत्तर दिशा के अंदर यदि आपके घर के अंदर कचरा या किसी भी प्रकार का कबाड़ पड़ा हुआ है तो आप उसको वहां से तुरंत हटाएं, और धनलक्ष्मी और कुबेर का स्थान को सुरक्षित और साफ सुथरा रखने में ही भलाई है। दोस्तों, ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान या खतरे के घंटे। जी अखिलेश जी, राठी जी, तो ये तो बात करी थी हमने कर्नल जी से कि आज का राशिफल कैसा रह सकता है, किन राशियों में आज मुनाफा लिखा हुआ है, किन राशियों को आज संभल के चलने की जरूरत है। यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कर्नल जी से कि आज ज्योतिष के आधार पर कृषि फसलों का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है। कर्नल जी, सबसे पहले आपसे जीरे के ऊपर जानना चाहूँगा, और सबसे पहले मैंने जीरा इसलिए चुना है क्योंकि हम देख रहे थे कि लगभग पिछले 1 से 2 हफ्तों तक जीरे में वायदा बाजार में कुछ ज़्यादा खास तेजी मंदी बनती नज़र नहीं आ रही थी। हालांकि आपने कल बोला था कि जीरे में तेजी बन सकती है, और वो तेजी आज हमने बनती हुई देखी है। जीरा वायदा में 16,200-16,300 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। जो जीरा एक रेंज में स्टक हो गया था, अटक गया था, सीमित हो गया था, अब उसी जीरे में आपके कहे अनुसार तेजी बनती नजर आ रही है। यहाँ से अब आगे क्या क्या मान लिया जाए कि जीरे के बाजार में अब यहाँ से तेजी बनना धीरे धीरे शुरू हो चुकी है? देखिए अखिलेश जी, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर हमने आपको कल जीरे पर अपडेट दिया था कि जीरा मसालों के अंदर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, और आज भी मुझे लगता है कि जीरे के अंदर मजबूती जारी रह सकती है, और जो जीरा के जो कारोबारी हैं वो उसके ऊपर नजर रख सकते हैं। तो और जीरे के अंदर आज के दिन मजबूती की अधिक संभावनाएं नजर आ रही हैं। जी अखिलेश जी, जी
यही से कनलजा जी, कल आपने कपास खली में भी कुछ बताया था और आज की बात करें तो आज हमने कपास खली में तेजी बनते हुए देखी है, कल भी आपने तेजी बताई थी, सत्य साबित होती हुई नजर आई है आपकी भविष्यवाणी कपास खली वाली। अब यहाँ से आगे क्या, कब क्या कपास खली में भी जीरे की तरह तेजी आगे जारी रहेगी? देखिए, कपास खली का सीधा संबंध कपास से होता है जी। कपास के अंदर जितनी अच्छी अराइवल है, जितनी अच्छी क्वांटिटी में उसकी पैदावार है, उसी आधार के ऊपर कपास खली का को विश्लेषण करना उचित रहता है। गौरतलब है कि पशु आहार के अंदर कपास खली का सबसे ज्यादा उपयोग इसके दामों के वजह से होता है, इसके मूल्यों के वजह से होता है। और कपास के ऊपर जो अलग अलग दावे हो रहे हैं, यदि आप विशेषकर देखें कि यदि भारत के मौसम विज्ञान विभाग की बात सुन लें हम, तो उनके अनुसार 1 अक्टूबर से 2021 से 13 दिसंबर तक जो बरसात हुई है, औसत से 49% अधिक बताई जा रही है। और इसका सीधा सीधा असर जो क्रॉप कॉटन की क्रॉप्स की स्टैंडिंग पोजीशन थी, यानी खड़ी कपास की थी, उसके अंदर भी कुछ इस बरसात से नुकसान की संभावनाएं दिखाई दी। इसके अतिरिक्त एक जो बहुत महत्वपूर्ण जो है वो पिंक बॉल वॉर्म जो है, जो कि कीड़ा कपास को इस बार कपास की फसलों में लगा, इससे भी कपास के फसलों को कुछ आंशिक नुकसान भी हुआ है। अलग अलग इलाकों के अंदर अलग अलग सूचनाएं, अलग अलग दावे हैं कि भारतीय सरकारी आंकड़े देख लें या फिर आप देख लें कि कॉटन एसोसिएशन देखें और ब्रोकर्स और व्यापारियों के अलग अलग दावे हैं, और लेकिन किसानों के बीच के अंदर बिल्कुल क्लियर मत है, वो अपना माल पूरा नहीं ला रहे हैं मंडियों में। कपास की जो अराइवल है वो अराइवल धीमी है। दूसरी, कपास के अंदर जो हर साल लगभग 10-15% की दागी माल होता था, इस बार जो 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 फसलें आ रही हैं कपास की, उसके अंदर दागी माल अधिक है और कुछ कहीं जगह तो 50-70% दागी माल है, अच्छी क्वालिटी का बनी है। तो कुल मिलाकर जब तक अराइवल अच्छा नहीं होगा, कपास से ऑयल सीड नहीं निकलेंगे, कॉटन सीड ऑयल के नहीं निकलेंगे, तो कॉटन सीड ऑयल केक यानी कपास से खली कैसे बनेगी? तो कुल मिलाकर संभावना यही है कि कपास खली तेज है, लेकिन एक महत्वपूर्ण यह है कि जो दूसरे ऑयल सीड्स हैं, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे मस्टर्ड या मस्टर्ड हो, उसका भी जो वेस्ट निकलता है, यदि सोयाबीन के और इनके लगातार बहुत तेजी से दाम गिरते हैं, तो उससे उनका जो खली भी निकलती है उसका भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के अभी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक कपास खली के अंदर बड़ी मंदी की संभावनाएं शायद नहीं है। ये अखिलेश जी। जी, तो कर्नल अजय जी के अनुसार और ज्योतिष के अनुसार कपास खली में अभी मंदी की संभावनाएं नहीं है, कपास खली यानी बिनौला खल आगे तेजी की ओर जारी रह सकते हैं। ये से कल जी बात करें अगर ग्वार की, तो कल के ही कारोबारी सत्र में शाम होते होते, क्लोजिंग होते होते, NCDEX पर हमने ग्वारगम और ग्वार सीड में ऊपरी सर्किट लगते देखे थे, 5-5, 6-6% के ऊपरी सर्किट लगते नजर आए थे। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से ग्वार में अच्छी तेजी, एक अच्छी रैली जारी हो गई है या फिर ये सिर्फ महज एक इंट्राडे के लिए ही था? बहुत अहम सवाल पूछा है अखिलेश जी आपने। ग्वार सीड यद्यपि बहुत छोटी कृषि फसल है और इसका निर्यात भी भारत ही इसका एकमात्र मतलब प्रमुख निर्यातक देश माना जाता है, और पाकिस्तान के अंदर भी कुछ इसके अंदर कुछ जगह कुछ मामूली सी इसके अंदर उत्पादन होता है, और भारत के अंदर भी कुछ 3 राज्य ऐसे हैं जो ग्वार सीड के उत्पादक राज्य माने जाते हैं, वो है पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के कुछ इलाके। तो गौरतलब है कि बहुत छोटी एरिया के अंदर इसका उत्पादन होता है और इसकी डिमांड जो है बहुत ही सीमित क्षेत्रों में होती है, तो इसको मैनेज करना, इसको मैनिपुलेट करना, इसके को कुछ मैं यदि एक कदम आगे बढ़ के कहूँ तो कि इसके अंदर कुछ ग्रुप हमेशा शामिल होकर इसकी तेजी मंदी के अंदर पूरा फायदा उठाते हैं, क्योंकि ये आम लोगों की फसल नहीं है, आम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, तो उसके अंदर और छोटी मात्रा में होती है, तो इसको मैनेज और करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। अब पॉइंट यह है कि फंडामेंटल इसके बहुत मजबूत हैं,
क्योंकि इस बार जो बिजाई हुई थी ग्वार सीट की, ग्वार की, वो कंपैरेटिवली पिछले कई सालों से लगातार कम होती आई है और इस साल सबसे कम मानी जाती है। दूसरा, बेमौसम बरसात से, और अब पहले शुरुआत में बरसात बिल्कुल नहीं हुई, उसके बाद तेज बरसात हो गई तो ग्वार सीड दागी हो गया। ज्यादातर जो माल मंडियों में उपलब्ध है वो ब्लैक यानी दागी माल है, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का माल उपलब्ध नहीं है। तीसरी तरफ ये इसका एक पहलू है, और एक पहलू इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि एक्सपोर्टर्स के पास जो सूचनाएं मिल रही हैं उनके पास पर्याप्त ऑर्डर है और पिछले साल के बनिस्पित अधिक ऊंचे दामों में ऑर्डर है। दूसरी तरफ लगातार पिछले 2-3 सप्ताह से ग्वार सीड के अंदर उतार चढ़ाव चल रहा है, ऊपरी स्तर से काफी इसमें गिरावट भी आई है। अब पॉइंट यह है कि जब आपके पास माल उपलब्ध नहीं है, आपके पास ऑर्डर प्रचुर मात्रा में है, तो फिर गिरावट क्यों? फिर गिरावट की क्या वजह है? मंडियों के अंदर भी यदि कोई बड़ी क्वांटिटी के अंदर माल लेना जाए कोई अच्छी क्वालिटी का, तो उसको मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो कुल मिला के ये तो निश्चित है ये स्पेकुलेटिव मार्केट चल रहा है, कुछ ग्रुप इसके अंदर एक्टिव हो रहे हैं, सूचनाएं और आदान प्रदान हो रहे हैं, और कुछ लोग अलग अलग बातें, अलग अलग सूचनाएं प्रसारित की जा रही है। लेकिन मैं फंडामेंटल पे चलने वाला व्यक्ति हूं और ग्वार सीड के फंडामेंटल मेरे हिसाब से मजबूत है, और इसके अंदर जब रिक्वायरमेंट होगी तो निश्चित रूप से दाम बढ़ेंगे बढ़ेंगे, और जो अराइवल आना था बाजार में वो ग्वार सीड का लगभग आ चुका है। अब सिर्फ माल उन लोगों के पास है मेरी गणना के ऐसा आधार पर कि या तो किसान है जो मजबूत स्थिति के हैं और वो निश्चित रूप से वो माल नहीं बेचेंगे जब तक उनको माल का पूरा भाव नहीं मिलेगा, या फिर वो कारोबारियां हैं जो माल होल्ड करने की शक्ति रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं। तो आप कितना भी ऊंचा नीचा हो जाए, जब किसान और मजबूत व्यापारियों के हाथ में फिजिकल का माल है ग्वार का, वो वायदे के अंदर ये ऊंचा नीचा जितना मर्जी हो जाए, लेकिन फिजिकल के अंदर अब कमजोर हाथों में माल नहीं है। किसान भी जो अपनी जरूरत के हिसाब से माल तो बेच देगा, लेकिन जो उस जितना वो रोक सकेगा वो रोकने का पूरा प्रयास करेगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर ये मैं बात ये भी कहना चाहता हूँ, ग्वार सीड एक मात्र ऐसी कृषि उपज है जिसको बरसों बरस तक लोग रख लेते हैं, और उनको यदि जरा सा आइडिया हो जाए कि इस बार भाव अच्छे बनेंगे, फिर उनसे माल निकलवाना बहुत मुश्किल होता है। एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूं कि आज से 10-20-25 साल पहले सूचना तंत्र इतना मजबूत नहीं था। आज हर किसान के पास इंटरनेट है, हर किसान के पास मोबाइल है, और वो पल पल की खबर रखता है। आप सुनी सुनाई बातों पे वो बिल्कुल विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होगा, ये मेरा अपना आकलन है। और मुझे लगता है कि ग्वार के फंडामेंटल मजबूत हैं, तो इसके अंदर बहुत बड़ी मंदी तो मुझे नजर नहीं आ रही है। जी अखिलेश जी, जी तो यानी कि कर्नल अजय जी के मुताबिक ग्वार में ज़्यादा मंदी उनको नज़र नहीं आ रही है, ग्वार के फंडामेंटल्स मजबूती की ओर हैं और कर्नल अजय जी ग्वार में मजबूती की ओर ही रहना पसंद कर रहे हैं। यही से कर्नल अजय जी ग्वार के साथ बात करें अगर सोया कॉम्प्लेक्स की, तो हम देख रहे हैं कि खाद्य तेलों में रिफाइंड सोया तेल में गिरावट है, और इसके साथ साथ विदेशों में भी तेल तिलहन के बाजार में गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है, और सोयाबीन के अंदर भी हम देख रहे हैं कि भारत के NCDX पर सोयाबीन में भी अब कुछ नरमी बनती नजर आ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है आगे रिफाइंड सोयाबीन, सोया खली, ये सोया कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा आगे कहां तक जाता है, मंदी की ओर है या गिरावट की ओर? देखिए, सोयाबीन के अंदर खासकर सोया ऑयल के अंदर थोड़ी सी गिरावट ज्यादा दर्ज हो रही है NCDX के ऊपर, लेकिन और इसकी प्रमुख वजह यह बताई जा रही है कि अमेरिकन जो स्टॉक्स हैं वो स्टॉक्स अच्छे बताए जा रहे हैं जी, और कुछ इंपोर्ट के अंदर भी चाइना की तरफ से खबर ये निकल के आ रही है कि चाइना ने भी सोया के इंपोर्ट के अंदर कुछ कमी की है जी, और ये महत्वपूर्ण है, और इसी वजह से कुछ समय के लिए ये सोया कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ कमजोरी की संभावनाएं बन रही हैं। अब सवाल यह है कि देखिए कि अभी थोड़ी कमजोरी है, यदि आप इसको थोड़ा सा पिछली तरफ ले जाएं, लगभग 1-1.5 महीने के पैसे पहले,
जब सोयाबीन 5000 के आसपास चल रहा था, सोयाबीन भी बुरी तरह से पिटाई खा रहा था। अब जब एक तरफा तेजी कुछ सप्ताह में दर्ज हुई, एक तरफ यानी वर्टिकल अपवर्ड मूवमेंट हुआ, तो कुछ तो मुनाफा वसूली आएगी। ऐसा नहीं है कि आप लगातार ऊंचा ऊंचा और पूरा ऊंचा चलते जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि ट्रेड वेव्स होती हैं। यदि आप टेक्निकल की तरफ भी देखें या फंडामेंटल्स की तरफ भी देखें या बाजार का रुख भी देखें, हर तेजी एक बड़ी तेजी के बाद कुछ मुनाफा वसूली हमेशा से होती है, और इसके अंदर कोई दोहराए और कोई परेशानी की बात नहीं है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो व्यापारी वर्ग है, जब वो बहुत तेजी हो जाता है उसके बाद माल खरीदता है। और ये देखिए, यदि लगातार हम सोयाबीन के ऊपर दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं कि जब वो मंदी के अंदर 5000 रुपए में माल नहीं खरीदेगा और माल खरीदेगा 6800 पर, 6200 पे, 6500 पे, तो उस वक्त जब जो 5 से 6500 की जो तेजी हुई वो उसके ऊपर जब हाईएस्ट लेवल पे माल खरीदेगा, तो जब थोड़ा नीचे आएगा तो घबराने की बात क्या है। जिसने मार्केट टाइम्स का हमारे पुराने शो देखे हो, वो नीचे के अंदर माल खरीदना है उनको और ऊंचे के अंदर माल बेचना है। अब ये जब ऊंचे के अंदर माल लिया हुआ है तो कुछ कमजोरी तो बनेगी ही बनेगी, इसमें तो कोई दोहराए और कोई शंका ही नहीं है। व्यापार का नियम है कि आप मंदी में खरीदो, तेजी में बेचो, और हो ये रहा है कि ये ना कुछ विशेषज्ञ मंदी में मंदी कर देते हैं और तेजी में तेजी कर देते हैं, और दोनों जगह ट्रैप हो जाते हैं। तो जब बाजार के अंदर एक तरफा तेजी आई, उसका पूरा फायदा नहीं हुआ, ऊपर में आप माल खरीदेंगे तो कुछ नीचे की तरफ जब बाजार आएगा तो फिर परेशानी कहां है। बाजार एक तरफा थोड़ी चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा, और ना कभी चलेगा, ना आज चला है ना कल चला था ना आगे चलेगा। एक बड़ी तेजी के बाद में एक मुनाफा वसूली हमेशा से आती है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे एग्रो कमोडिटीज हो, सोना चांदी हो, उसके अंदर कोई दोराय नहीं है। चतुर व्यापारी, चतुर व्यवसायी मंदी का इंतजार करता है, मंदी में माल खरीदता है और उसको माल रोकता है, और जो स्पेकुलेटर्स हैं जो घंटे दो घंटे की ट्रेडिंग करते हैं, वो मंदी करते हैं, मंदी के अंदर अपना छोटा पैसा लेते हैं, निकल जाते हैं, तेजी करते हैं, छोटा पैसा निकल जाते हैं, तो उनको बड़ी परेशानी नहीं है। परेशानी उन कारोबारियों को है कि जिन्होंने 5000 के अंदर सोया नहीं खरीदा, अब 6500 6800 6800 रुपए खरीदा, अब वो थोड़ी सा नीचे आया है, अब इनको परेशानी है। तो ऐसे कैसे चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आप ये एक बुनियादी चीज है, इसको आपको समझना पड़ेगा यदि आप ट्रेड करते हो और समझते हो। और जो चतुर व्यापारी है वो उस चीज को अच्छी तरह से समझता है, वो कभी भी नहीं फंसेगा। फंसते वो लोग हैं जो रिपोर्टों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, फंडामेंटल की तरफ ध्यान दे नहीं रहे हैं, और वो ट्रैप हो जाते हैं। और वो और आज स्थिति यह है कि सोया का काम करने वाला वो व्यापारी या मिलर बड़े परेशानियों में है, जिन्होंने नीचे में माल नहीं खरीदा, ऊपर में माल खरीद रहे हैं, तो उनके दिमाग में आता है आप खरीदते नीचे आएगा, अब ये नहीं खरीदते हैं तो ये और ऊंचा चला जाएगा। तो ये परेशानियां रहेगी यदि कोई फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस को नहीं समझेगा, ये निश्चित है। जी अखिलेश जी, जी तो यानी कि निचले स्तर पर खरीदारी करके अगर आप ऊपरी स्तर पर अपना माल बेच रहे हैं या प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो वही समझदारी है, और बाजार इसी तरह से चलता भी है। लेकिन अगर मंदी में मंदी कर रहे हैं, तेजी में तेजी कर रहे हैं, तो वहाँ पर चोट जरूर खा सकते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं आर्थिक चोट लगती नजर आ सकती है। इसे कर्नल जी बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में आपके अकॉर्डिंग आगे कैसा रुझान रहेगा, कॉटन में क्या संभावनाएं बन रही है? और ये भी खबर निकल के सामने आई कि चाइना का जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो लगभग 3% कम रह सकता है। देखिए अखिलेश जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है कॉटन में आपने। कॉटन के अंदर चाइना ने अपना रिजर्व स्टॉक भी बेचा था, क्योंकि वहां पर जो पावर संकट था और जो उसमें समस्याएं थी उसको रख के चाइना को हम एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र की दर्जी से देखते हैं, क्योंकि कृषि जींसों के अंदर तेजी मंदी में उसकी उसका रोल बहुत अधिक माना जा रहा होता है, क्योंकि वो टाइम चाइना की एक खास बात होती है, वो हमेशा समय से पहले स्टॉक कर लेता है। पिछले साल सोयाबीन के अंदर उसने अमेरिका से सोया का वेल इन एडवांस अपना स्टॉकिंग कर लिया, और उसके बाद जब सोया की बड़ी तेजी दर्ज हुई और उसको पूरा उसको लाभ उठाया, जबकि आंकड़े ये दर्शा रहे थे कि चाइना इस बार ब्राजील से माल नहीं खरीद रहा है, चाइना इस बार अर्जेंटाइन से एक कंपैरेटिवली कम माल खरीद रहा है, जबकि उसने ऑलरेडी स्टॉकिंग कर ली थी अमेरिका से वेल इन एडवांस। तो ये इसकी चाइना की फितरत है, क्योंकि ये देखता कुछ और है, करता कुछ और है और दिखाता कुछ और है, और इसी वजह से ये ज्यादातर कामयाब भी होता है, क्योंकि ये धोखा देने में मास्टरपीस है।
मैं इसको धोखा नहीं कहूंगा, मैं इसको स्ट्रेटेजी कहूंगा कि उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बहुत अच्छी है कृषि जींसों के मामले में। तो जो चाइना दिख रहा है उस पर कभी भी विश्वास नहीं करके उसको बाकी फंडामेंटल भी देखने पड़ेंगे। चाइना ने अपना रिजर्व कॉटन स्टॉक को दो से तीन बार रिलीज किया है और वहां पे प्रोडक्शन भी थोड़ा सा कम बताया जा रहा है। और अपना जो कॉटन जो है, आप देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि 49% अधिक बरसात औसत से जो दर्ज हुई है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 1 अक्टूबर से 13 दिसंबर के बीच में। और जो गुलाबी बॉल वर्म है, यानी पिंक बॉल वर्म है, उससे भी कॉटन की क्वालिटी के अंदर काफी फर्क पड़ा है, बहुत जबरदस्त फर्क पड़ा है। और आधे से ज्यादा फसल जो किसान ला रहे हैं उनके अंदर वो दागी माल है, अच्छी क्वालिटी का सुपर माल बहुत कम है। तो जिस भी किसान के पास सुपर क्वालिटी का माल है उसको दाम अच्छे मिलेंगे, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का माल ही नहीं है। इसके अतिरिक्त जैसे और भी खबर जो उन्होंने, यदि अमेरिकन कृषि विभाग की रिपोर्ट को हम मान लें तो उसके हिसाब से हमारे पास जो है वो इस बार जो आ रही है, जो मौजूदा सीजन के अंदर कुछ इजाफा लेके ही बेल आ रही है। तो कुल मिला के अलग अलग राय हैं, अलग अलग आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के ऊपर नजर रखें, ग्राउंड स्थिति नजर रखें और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को हम समझें और फंडामेंटल एनालिसिस को समझें, तो मैं ये कह सकता हूं कि कॉटन के अंदर बहुत मंदी नहीं है। धैर्य इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा और कॉटन के अंदर अच्छी क्वालिटी का जिस भी किसान या कारोबारी के पास माल है उसको अच्छे पैसे मिलेंगे, ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि दागी माल अधिक है, अच्छी क्वालिटी का माल अधिक नहीं है। तो यही मेरा कहना है कि मार्केट टाइम्स के टीवी के माध्यम से सभी किसानों को, और खासकर क्योंकि कपास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राजस्थान के भी बहुत इलाकों में कपास का उत्पादन होता है, महाराष्ट्र तेलंगाना के अंदर भी इसकी पूरी फसल है, पंजाब के अंदर भी इसका पूरा फायदा है। तो यही मेरे किसानों को और कारोबारियों को संदेश है जी। अखिलेश जी, जी तो यानी कि कॉटन में ज्यादा मंदी की संभावना कर्नल जी को नहीं लग रही है, क्योंकि जैसे उन्होंने कॉटन का काफी अच्छा विश्लेषण करके बताया है और ये भी बताया है कि मंडियों के अंदर हाजिर में ज्यादातर जो माल आ रहा है वो दागी माल है। अच्छी कॉटन जिनके पास है, जिन कारोबारियों के पास है, जिन किसानों के पास है, उनको कर्नल जी के मुताबिक आगे काफी अच्छे स्तर यानी काफी अच्छे दाम जरूर मिलेंगे। यही से कर्नल जी बात करें अगर नॉन एग्री कम्युनिटीज की, तो सोने चांदी में सबसे पहले जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि सोने चांदी में हम देख रहे थे कि लगभग 2 हफ्तों से सोना चांदी फ्लैट प्राइसेस पर ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन कल की कंपैरिजन में अगर आप करें तो सोना चांदी कहीं ना कहीं लुढ़कते नज़र आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि फेडरल रिजर्व बैंक की भी बैठक चल रही है जिसमें आगे मॉनेटरी पॉलिसीज़ कैसी रहेंगी, इंटरेस्ट रेट्स क्या रहेंगे, ये सब भी डिस्कस हो सकता है। डॉलर भी काफ़ी अहम रोल प्ले करता है इकोनॉमी के लिए और आगे बाजारों में के लिए। ऐसे में आपकी सोने चांदी पर क्या राय रहेगी? देखिए अखिलेश जी, आपको याद होगा कल हमने बुलियन के अंदर मंदी की बात कही थी जी, सोने चांदी के अंदर मंदी की बात की थी, और जितनी कल तेजी से पिटाई हुई और सिल्वर ने तो लगभग 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज हो गई थी और गोल्ड के अंदर भी जबरदस्त गिरावट दर्ज हुई थी। उम्मीद है कि मार्केट टाइम दर्शकों ने कल का जो शो देखा होगा उससे अवश्य प्रेरित होकर कुछ पैसा बनाया होगा। अब क्या संभावनाएं बन सकती हैं? अब जो गोल्ड के जो लेवल्स आ गए हैं और जो इंडियन रुपी के ऊपर मैं यदि मैनेजर रख रहा हूं उसके मुताबिक मुझे नहीं लगता है कि अब हमें गोल्ड के अंदर शॉर्ट यानी बिकवाली करनी चाहिए जी। मुझे नहीं लगता है कि अब सिल्वर के अंदर इन लेवल्स के ऊपर बिकवाली करने की हिमाकत करनी चाहिए। मैं आप रिमाइंड कर रहा हूं कि वर्ड मैंने यूज किया है हिमाकत का मतलब यही है कि जो वर्ड है हिमाकत का तभी यूज होता है कि जब कोई कोशिश करता है एक सीमा से जाके, क्योंकि 1769 डॉलर के आसपास का जो एक भाव चलता है गोल्ड का भी वो एक परफेक्ट लेवल्स माने जाते हैं। इन लेवल्स के ऊपर शॉर्ट यानी बिकवाली करना खतरा साबित हो सकता है और इस लेवल्स के ऊपर यदि कोई निवेशक है तो वो यदि चाहे तो वो खरीद भी सकता है।
आपको याद होगा कि दो शो पहले हमने भारतीय रुपया के ऊपर कहा था, जब भारतीय रुपया 75 रुपए 69 पैसा यानी 69 पैसे चल रहा था, लगभग 70 पैसे चल रहा था, तब हमने आपको एक भविष्यवाणी करते हुए कहा था, प्रेडिक्शन करते हुए कहा था कि मुझे भारतीय रुपया कमजोर नजर आ रहा है अमरीकी डॉलर के बनिस्बत, और ये 75 रुपए 95 पैसे और 76 रुपए 5 पैसे 4 पैसे तक की इसकी गिरावट हो सकती है। और एग्जैक्टली यदि आज आप देखें तो भारतीय रुपया अमरीकी डॉलर के बरखिलाफ 76 रुपए का लेवल उसने टच कर दिया है, और लगभग ये जो तेजी रही लगभग 35 पैसे की रही, और ये 35 पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता है करेंसी बाजार के लिए। जो भी एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर्स हैं, या जो करेंसी ट्रेडर्स हैं, उनको उसको उनको इस चीज की महत्व पता है कि डॉलर का 75 रुपए 70 पैसे से 76 रुपए आ जाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये 30-32 पैसे। तो मुझे लगता है कि जब डॉलर के बनस्पत रुपया कमजोर हो रहा है, और जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है, तो इससे गोल्ड और सिल्वर की तेजी को बल मिलता है। गौरतलब है कि भारत गोल्ड का सबसे बड़े आयातक देशों में माना जाता है, इंपोर्टर माना जाता है, तो भारतीय रुपया का कमजोर होना निर्यात के भावों को बढ़ा देता है, और इसके बरखिलाफ यदि भारतीय रुपया अमरीकी डॉलर के मुकाबले मजबूती दिखाता है तो हमें ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर भारतीय रुपये की कमजोरी का असर भारतीय ये जो गोल्ड के ऊपर, इसमें सकारात्मक पड़ने की संभावना है। जो इसको विशेष समझ लीजिए, जो भी दर्शक करेंसी और गोल्ड को ट्रैक करते हैं और इसके बारे में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये भारतीय रुपया की कमजोरी का फायदा गोल्ड को मिलने का अब संभावना बन रही है। और ये गोल्ड के अंदर जो 1769 यूएस डॉलर पर ट्राई ऑन्स है, यहां से कभी भी तेजी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता अगले 2-3 दिन। तो ये एक महत्वपूर्ण रहेगा। और अखिलेश जी, मैं चाहूंगा कि ये बाइट हमेशा आप सेव करके रखें, यदि जरूरत पड़ने पे हम कल परसों इसको हम दर्शकों को दोबारा सुना पाएं कि हमारा जो ये विश्लेषण गोल्ड और करेंसी पे दिया है, ये संभवतः मुझे उम्मीद है कि इसका पूरा पूरा फायदा दर्शकों को मिलने का पूरी पूरी संभावना बनेगी। एक और महत्वपूर्ण बात चलते चलते मैं आपसे ये एक और कहूंगा बिफोर मार्केट स्टॉक मार्केट का सवाल पूछें अखिलेश जी, एग्री जीन्स हो या स्टॉक मार्केट या फिर करेंसी बाजार या नॉन एग्रो कमोडिटीज, इसके अंदर हमेशा से महत्वपूर्ण ये रहा है कि आप ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करें। यदि आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं, क्षमताओं से ज्यादा काम करते हैं, अधिक लालच और ग्रीड करते हैं, या पैनिक में आते हैं या डरते हैं, तो निश्चित रूप से ये बाजार आप लोगों के लिए नहीं है। ये बहुत कैलकुलेटिव और सीमित मात्रा में यदि रिस्क के साथ में काम करना चाहता है वो ही इसमें पैसा बना सकता है। जल्दबाजी में काम करना, क्षमताओं से अधिक काम करना, क्षमता 5 लॉट की काम कर रहे हैं 25 लॉट के, निश्चित रूप से परेशानी कम होगी। 2 गाड़ी की ताकत है, 20 गाड़ी दिखा रहे हैं, 10 गाड़ी दिखा रहे हैं, ऐसा इस बाजारों में कभी भी नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, अपना एक लॉस जो है, प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन लॉस को एक सीमित मात्रा में आपको निश्चित कर लेना चाहिए कि इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं लूंगा, क्योंकि बाजार कहीं नहीं गए, फिर दोबारा अपन ले लेंगे। लेकिन एक सीमा से ज्यादा अपना लॉस कभी भी नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। यदि आप इन गोल्डन रूल्स को फॉलो करेंगे तो शेयर बाजार हो, कमोडिटी बाजार हो, एग्रो जींस में हो, उसमें लंबे अर्थ रहेगा। और जो ये सभी जानकारियां जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, ये फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल स्ट्रेटजी की संयुक्त प्रयासों से है। नफा नुकसान की गारंटी ना चैनल लेता है, ना मैं स्वयं इसके लिए स्वीकार करता हूँ। जी अखिलेश जी। जी कनल जी, ये से कनल जी बात करें अगर स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में आज कैसा रुझान रहेगा? स्टॉक मार्केट में देखिए, अभी सेंसेक्स लगभग 375 पॉइंट डाउन है और निफ्टी लगभग 116-17 पॉइंट डाउन है। और एक लेकिन इसमें एक खुशी की बात यह है कि आप कहेंगे कि गिरते बाजारों में क्या खुशी हो सकती है, निफ्टी बैंक जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, ये एक इसमें सकारात्मक रुख है। और जब बैंक निफ्टी सकारात्मक रुख होगी और उसके साथ ऑयल एंड गैस एक बार चल जाएगा, तो मुझे लगता है कि यहां से बाउंस बैक होने की पूरी पूरी संभावनाएं बन सकती हैं। और आने ये एक परफेक्ट लेवल है निवेश के लिए। हमेशा से एक बात दोहराता हूं कि आप निचले लेवल पर आप निवेश कीजिए, ऊपरी लेवल पर आप बिकवाली कीजिए, क्षमताओं से अधिक नहीं, क्षमताओं से कम काम करिए,
चार रोटी खाने की ताकत है, यदि आप तीन खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। चार रोटी की ताकत है, यदि छह खाएंगे तो आप बीमार अधिक पड़ेंगे। यही फार्मूला आप अपने शेयर बाजार में भी चला के चलें। अभी गिरावट है, आप अच्छे स्टॉक्स के ऊपर नजर रखें। और अच्छे स्टॉक्स कौन से होंगे ये भी मैं आपसे चर्चा कर देता हूं, आपसे बातचीत कर लेता हूं। अच्छे स्टॉक्स के अंदर हम कहेंगे कि आप नजर रखें पावर ग्रिड कॉरपोरेशन पर। भारत सरकार की अच्छी बड़ी कंपनियों में से एक है और पावर सेक्टर की, इसके ऊपर नजर रखें। इसके अतिरिक्त वेदांता है, उसके ऊपर भी नजर रखी जा सकती है। वेदांता का जो टैक्स का विवाद चल रहा था क्रेन एनर्जी और वेदांता का, वो सेटलमेंट हो गया है। और वेदांता, खबर ये आई है कि वेदांता ने अपने सारे जो मुकदमे थे वो वापस ले लिए हैं, क्योंकि उसका विवाद सुलट गया है। इसका सकारात्मक प्रभाव बैंक वेदांता के स्टॉक पर भी पड़ने की संभावना है। इसके अतिरिक्त एक सरकारी क्षेत्र की एक और कंपनी है, एक है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसके ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। इसके अंदर भी आने वाले दो तीन दिन के अंदर संभवतः अच्छा मुनाफा मिल सकता है। और एक फार्मा सेक्टर को मैं अपने साथ जोड़ना चाहूंगा, वो है डॉक्टर रेड्डी। इन स्टॉक्स के ऊपर आप नजर रखेंगे तो मुझे लगता है, और बिल्कुल अपनी अपनी क्षमताओं के आधार पर आप काम करें तो आपको जीतने के चांसेस और मुनाफा कमाने के चांसेस अधिक हो जाएंगे। जी रखलेश जी। जी कनर जी, तो आज कुछ ऐसा रह सकता है शेयर बाजार, कम्युनिटी बाजार और आज राशियों के हिसाब से आज का आपका दिन। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।